हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज मैं आपको लेकर आई हूं लज्जत पापड़ जो बनाती हैं उनकी जो बेन है जसवंती बेन, उनके घर पर लेकर आई हूं और उन्हें पद्मश्री मिला है। तो चलिए दिखाती हूं उनका घर कैसा है, वो बातचीत कैसे करती हैं। तो ये है, मैं हाल फिलहाल तो हूँ चीरा बाज़ार जो कि साउथ मुंबई का एक जाना माना इलाका है। ये पीछे शंकरवाड़ी रोड जिसे कहा जाता है उसमें मैं अंदर आई हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा सा गेट दिखाती हूँ ये। और इस गेट के अंदर जाते हुए मैं आपको जसवंती बेन जो है उनका घर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अभी विजुअल्स दिखाती हूँ आपको। पद्मश्री जैसे ही उन्हें अनाउंस किया गया है, कई सारे लोगों की बधाइयों का एक के बाद एक सिलसिला लग गया है। ये देखिए जसवंती बेन जमुनादास पोपट, इससे ज़्यादा पद्मश्री अवार्ड मैं इतना पढ़ लिया, मैंने इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। गुजराती में लिखा है, चलिए कोशिश करते हैं। लज्जत पापड़नी संस्थापक, बाबरे मैं इसके आगे नहीं पढ़ पा रही हूँ, 40 वर्षानी मुंबई मुख्य कार्यालय में संचालिका तरीके कार्यरत छे तथा नारी शक्ति माटे प्रेरणा स्त्रोत छे। ओके, और ये है उनकी बिल्डिंग। यहाँ सेकंड फ्लोर पर वो रहती हैं। चलिए दिखाती हूँ। ये जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपको एक बहुत लकड़ी के सीढ़ियाँ दिखाई देंगी और इन्हीं सीढ़ियों से बढ़ते हुए हम सेकंड फ्लोर तक पहुँचने वाले हैं। कहा जाता है कि 1955 में 7 बहनों ने मिलकर ये काम शुरू किया था और ये जो जसवंती बेन हैं 10x10 की खोली में रहती हैं और बिल्कुल पुराने टाइप्स के जो मीटर रूम ओपन में रहते थे ये वैसा है, लकड़ी का बना हुआ है सारा। चलिए अब मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ जहाँ जसवंती बेन का घर है। वो अपने परिवार वालों के साथ रहती हैं। चलिए आइए अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ उन बा के घर में जिन्होंने लज्जत पापड़ की नींव रखी है। चलिए दिखाती हूँ उनका घर। तो ये हैं बा। और प्रणाम बा। प्रणाम प्रणाम। ये हैं कल्पना बेन। नीतू आशी जिग्ना सो ये है इनका पूरा खूबसूरत सा परिवार। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है हम लोग। लज्जत पापड़ से लोगों की जुबान से दिल में बसने वाले जो शख्स होते हैं उनके पीछे जो जादू चलता है वो है इन बा का। बा बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? स्वागत करो भगवान का, भागवत का स्वागत। अगर क्या स्वागत करेगा,
हमारा तो सब देने इतना देने और सब पापड़ बनाती है ना, मेहनत करके खुद का लेती है। बाप रे। तो माँ आपकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? इतना बड़ा है वो। इस अवार्ड ने कितना खुश किया आपको? बहुत खुश किया, बहुत खुश किया। कैसा अवार्ड हमको मिलता है? पहला मिला है अवार्ड, मिल गया ने ये पड़े बड़ा मेरा। तो अब तो आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब दिल्ली जाएगा ना लेने के लिए, तैयार है उनके लिए मिलने के लिए? जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा। अच्छा बात से उनकी उम्र पूछते हैं, बात आपकी उम्र क्या है? दिल्ली जाके आया है, सब करके आया है इधर भी। उम्र आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 93। बाजूर बोल रही 25 साल है। अच्छा बात से पूछते हैं, बाप पिक्चर देखती है? फिल्म पिक्चर नहीं, आज भगवान का होगा तो देखेंगे। आप क्रिकेट देखती हैं मैंने सुना? वो अच्छा कौन फेवरेट है? कौन सा क्रिकेट होगा तो देखेंगे, चलता होगा तो। फेवरेट कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? फेवरेट में तो पहला था ना वो, अभी नहीं है, धोनी। कपिल देव। और क्यों? सचिन तेंदुलकर। अच्छा सचिन उसका इसका देखने को बहुत अच्छा आता था। अच्छा तो अब नहीं देखते? अब विराट को अभी पर देखता है, अभी पर देखता है। अभी अभी कौन सा वाला पसंद आते हैं? अभी वो अभी आ गया ना विराट कोहली। हाँ वो खेला खेला इसने बॉल डाल के फेंक गया एकदम। इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट और इतनी टिकट पर आए ना सब हमारे वडाले में आ गए, सच का सम्मान किया है हमारा से। ओ वडाले ने। अरे वाह ऋतिक ने। और पहले का पहले का अभी तो फिर। अच्छा अगर आप भगवान की फिल्म देखते हैं तो कोई कौन महिपाल पसंद आता है आपको? कौन पसंद आते थे? मैं भगवान नहीं रहता है ना, कृष्ण भगवान। अच्छा कृष्ण भगवान की भगवान का। और सेना जी बाबा बड़ा बोलता है। हाँ। सेना जी बाबा। हाँ। इसको मानते हैं।